कराची का अमन तबाह करने की एक और कोशिश। अली रजा आबदी का कत्ल, तहकीकाती इदारों ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खत्ताब कहते हैं अली रजा आबदी को उनके घर के बाहर ड्राइविंग वाली साइट से निशाना बनाया गया। मुल्जिमान पीछा करते हुए आए, 10 सेकंड के अंदर हमला मुकम्मल किया। मोटरसाइकिल पर सवार दोनों मुल्जिमान इंतहाई माहिर निशानाबाज थे, जिन्होंने कैप पहन रखी थी। पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक अली रजा आबदी को 3 गोलियां लगी। मौत गर्दन में लगने वाली गोली से हुई। एमएलओ जिना अस्पताल का कहना है तीनों गोलियां बदन के ऊपर हिस्सों पर लगी। एक गोली ने चेहरे और एक ने कंधे को मुतासिर किया। आखिर कौन है जो शहर में अमन नहीं चाहता? नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने निशानदेही की थी, सियासी क़यादत को जुनूबी अफ्रीका सेटअप कत्ल करना चाहता है। जुनूबी अफ्रीका नेटवर्क के राशिद मिनहाई और वसीम उर्फ कमर टेडी मुतहर्रिक हैं। हालिया दहशतगर्दी के वाकियात में भी जुनूबी अफ्रीका सेटअप के मुलव्वस होने की इत्तला पर तहकीकात जारी हैं।